अनेक ओडिया नुहे पंचस्तरी मानते नब्बे भाग ओडिया अच्छा जो मैंने कि कार्तिक मस आमिष ग्रहण करती ना केते जन बिना आमिष बंची पारि से कथा कहीपर कारण आमिष पाई से बंची किसी लोक आमिष ताक बंचे दर्शन अलग किंतु नब्बे भाग लोक कार्तिक मसरे ओडिया माने आमिष भक्षण करती ना तेणु कहीं ये देवता मानक मना करमिष भोजी क्रोध मत्सर मुह तेजी ये सब आमरी मानक कह मद मत्सर या पंचम अकार कथा कहती या मोह आकु तेज मान तेज करापर कौन कर सकल विघ्न जीव क्षय एति जदि तुम्हें कर ताहले तमर सकल विघ्न क्षय जीव एवं मरब से दनु तनय से दनु तनय अर्थ दानव तनय शंखासुर मर दर्शक बंधु ए घटनाटी शंखासुर जदि कई कहा जाए ताले से होची आम मानकर शत्रु आम मानकर शत्रु किए से ना आम मानक भितर थिबा जो पंच मकार आम मानक भितर थिबा मद मोह माश्चर्य एई जो जिनसटी रहिला मैथुन मुद्रा एमाने सबु गोटिए गोटिए शंखासुर ए असुर को मारिया पाई भगवान आमको चेतईदे कि नहले अति कम्रे एगार मस तुम जहाँ करगल ये कार्तिक मसरे एगुड़िक दमन कर एगुड़िक जदि तुम्हें दमन कर दनु तनय निश्चय मर तेणु से शंखासुर आंखासुर भितर एति फरक कथा किए कहले पद्मपुराण रु महादेव दास कहले निजक शूद्रमणि दासमणि सेवकमणि महा नाटी के सुंदर महादेव जार ना धरले मुक्ति मिल जाए देवदेव महादेव कैलाशपति जो ना प्राकारंतर कहगले शंकर जदि महादेव बोली आम डाकवा बेल पड़े शंकर भी कड़े जाऊे पलि आस आजिकल तो चिंकी निकी निकी से छाड़ दिखे कितु महादेव कहले शंकर भी बुलूबे से आज हाँ बाबा मो डाकिल कौन बर मगुच मारे कितु आप डाकुवे नारायण डाकिला बेले पुह तेणु ये महादेव दास श्रीहरि कार्तिक व्रत कहला हरितोष तो हरितोष हरि सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम होची हरि काहीकि ना से समस्त दुख को हरण करवतीय जंजाल जीव को मुक्ति दे था जीवर जावतीय अलीअर्दी की से हरी था तेणुक कहुए हरि ये आसीगले कौन धन मर्यादावंत है बहे खाली से नुह आ बढ़िया जिनस पाठक आम ए भाया जिनस था ये तप जप पुण्य किए से ये मानते लक्ष्य जप कर आमर अच्छी केते लक्ष जप कले पाइब मुनि ऋषि मैंने जाइज आम तो बढ़िया कथा ये लिखिदेले धन्य मर्यादावंत हो श्रीहरि रूप को पाइब श्रीहरि रूप को अरे गिध देह तजी धरि हरि रूपा जहाँ को गिध पाई जा मानने गिध केमी पाइला गिध पाइला रावण सीता नहींगला चोरेक नेला मानने ओगाड़ा ओगाड़ापुर जटायु से कटायु है तार पक्षच्छेद नाला पुणी मरलानी बंचापे अपेक्षा कला कष्ट बंचा कष्ट ना तेणु सेतक कष्ट सरला रावण पचारा आ जटायु तू कौन पाइलु तू तो जटायु किए देला तो ना तो ना तो कटायु तो आयु कटिगला ना ये कटायु मुझ कौन पाइली जो आसवे प्रभु जानवे एत पर कौन है ना गिध देह तजी धरी हरि रूपा भूषण पट बहु अनुपात जिते भगवान रूप से धारण कला अन्य पक्षर काक चतुर्भुज एत बुली 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 कुआडे केते दौड़ी दौड़ी ता पछरे जम गोड़े सी आसिकी कौन है रोहिणी पादुका कुंड रज सिंह माड़ी बसी अच्छी गज सते किए नेत्र पवित्र होइबो काक पड़ी है चतुर्भुज काक कौन कम परिश्रम करप परिश्रम करनी जम कुआड़ गोड़े गोड़े सी प्राण विकल दौड़ दौड़ दौड़िया कौन सब जाम पाई यू गोटे किलोमीटर दौड़ला बेलू आम सब जगह कुआडे मैंने पड़ी से पड़ जा गोटे जो मोटा लोक गोटे दौड़ बाघ कह भाई तू खाई बोलते पेट मुड़ी मुझे दौड़ पारि कौन करी कितु एमने कष्ट सहवा जहाँ से कष्ट अति साधारण कष्ट ये द्वितीय अध्याय टी पाठ कर कार्तिक महात्म्यर एत सुंदर कथा लिखिदेले जे धन्य पुणी धन मर्यादा पाइब धन आशा ना इति धन मर्यादा भी मिल धन कौ धन सुंदर कथा धन धन अर्जिले धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि ताले धन अर्जन कौ धन मोर पांच बाटी संपत्ति पांच महला बिल्डिंग बा पचास एक मानते शह एकर एगुड़ाक धन नुहे धन कह जाए मुझे पांच हजार कोटी मालिक धनी देखिए आउ गोटे छह हजार कोटी मालिक आस तुम तो आगे कर सी तो बड़ धनी तुम्हें कौन धनी धन सी नुह बाल्य कालु धर्म धन मु संचीवी ए जीवन अनिश्चित
के जानी कहार आज मृत्यु काल आसी हेबो उपस्थित धर्म रूपक धन बाल्य कालरु आमे जदि धर्म रूपक धन को संचय करिबा ताहले काली भी जदि मृत्यु हो जाए दुख नाही तेणु करी एठी से सुंदर कथा कहले धन्य मर्यादावंत अब मर्यादा जो मर्यादा पुरुषोत्तम गोटे पुरुषोत्तम स्वतंत्र कथा बढ़िया कथाटी भगवान श्रीकृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ स्वयं पुरुषोत्तम तेणु एठी राम राज्य भी धन राम राज्यर धनर अभाव नहीं अन्य राज्य अपेक्षा सबुठ श्रेष्ठ राज्य राम राज्य कारण तांको राज्यर राजा होचंती राम जेमितिका माने विभिन्न प्रकार तार दर्शन अलग किंतु एठी कहउचंती धन्य मर्यादावंत हेबो श्रीहरि रूप को पाइबो धन भी पाइबो मर्यादावंत हो पाइबो बुले चोरी धन पाइबनी ताकू माने बिना टैक्स फ्री धन कौन जो टैक्स लगभनी आ कौन कंचा ओडिया कहले धन अर्जन कर टैक्स ना बा सरकारी गंजना ना मुक्ति सरकारी मानने ये मुक्ति जो दर्शन को पुणी भगवान को रूप आठ भाई कौन आई तेणु ये अध्याय को पाठ कर आसंता काली एकादशी आसून्न शुक्ल मृग राशि वृक्ष धनिष्ठा पुण्य काल सर्व मंगल जोग चल मीनस्व रूप सिंधु तीरे प्रवेश होती जे जाहारे मुहि होई बे मत्स्य रूपे नरी सरित सिंधु व्यापी खोजी मारी बिवेद चोर जाओ संशय करी दूर हरि आदेश शिरे घेनी ब्रह्मा शंकर सुर मुनि विविध मीन रूप धरी प्रवेश हेले लुण बारी सुंदर कथा टीए कहले भगवान नीति कौन करवा कथा तो कहीदे यज्ञ एवं कार्तिक व्रत पालन पंचमकार त्याग निरामिष भोजन ये सब कथा तो तृतीय अध्याय कही सारी एवं भगवान कहले कौन ना आसंता काली एकादशी सुंदर कथा टीए जो एकादशी भगवान कहले आसंता काली एकादशी पुणी कौन ना आश्विन शुक्ल मृग राशि मृगशिरा नक्षत्र आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि यही एकादशी तिथि आसंता काली यक्ष धनिष्ठा पुण्य काल नक्षत्र पुणी एपटे कौन धनिष्ठा पुण्य काल सर्वमंगल जोग समस्त मंगल जोग ही पड़ुछि मु कौन करी ना ठीक से ही समय रे मीन स्वरूप सिंधुति प्रवेश होंती जेजारे मु मीन रूप को धारण करी भगवान श्री जगन्नाथंकर दश अवतार न्याय रे जो अवतार प्रथम अवतार जहाँकू मत्स्य अवतार बा मीन अवतार कहा जाए से मीन अवतार को महाप्रभु कहिले जे मु आश्विन शुक्ल एकादशी रे धारण करी केमिति धारण करी खोजी मारी बेद चोर अर्थात धारण करी समुद्र रे पहुँची बेद चोर को खोजी खाली खोजी नी खोजिकी मारी एथिरे तिले मात्र संशय नाही माने जोटा कि निच्छक सत कथा माने भगवान जहाँ कहती ताही करती भगवान कथार तिले मात्र संशय न थाए द्विधा न थाए खेद न थाए माने अन्यथा हुए नी तेणु करी से कहले जाओ तापर कौन कले विविध मीन रूप धरी विविध प्रकार मीन रूप धरी प्रवेश हेले लुणी बारी माने लुणी बारी कहा कहगला समुद्र कारण समुद्रर जल हूँ लुणिया तेणुक से विविध अर्थात गोटे मीन रूप आमर मीन रूप जो धरले प्रभु ए कथा तो आगक आसव कितु ये कहले विविध मीन रूप धरी ये गोटे विशेष विध विभिन्न प्रकार मीन रूप अन्य मीन मान समुद्र करने ये गोटे दर्शन कितु ये आगक जा कौन कहते भगवान एथु अम तेजे शुण सती ए आदि अवतार कीर्ति कश्यप नामे तपचारी विंध्या पर्वते वास करी विष्णु संतोष प्रति आसे रही जे थिले चतुर्मासे सिस्ताने सरस्वती नदी विंध्य पर्वत मूल भेदी दक्षिण सागर गामिनी से जले प्रत्यस्नान मुनि अण उदय स्नान सारी सूर्य प्रकाश संध्या करी
देवता पितृ आवाहने संतोष करी जल दाने आदित्य अर्थे अर्घ्य तोड़ी घेनिले उदक अंजलि। भागवतीय दर्शन रे मनुक कथा आसे, पद्म पुराण दर्शन रे कश्यप ऋषि कथा आसे। दर्शक बंधु एठी जदि आमे पुराण को व्याख्या करने को जीवा बा पुराण पृष्ठा को आलोचना करने को जीवा ताले एथिरे आमे जेहेतु कार्तिक महात्म्य को गुरुत्व दे थाई तेणु आम कश्यप ऋषि विषय ही आलोचना जारी रखा कारण एटी पद्म पुराण रे वर्णना कर कश्यप ऋषि कथा तेणुक कश्यप ऋषि कौन करुले स्नान करुले कौटी ना सुंदर नदी टीए सुंदर नदी टीए उचे आदि कीर्ति कश्यप नामे तपचारि विंध्य पर्वते वास कर विष्णु सतोष प्रीति आसे रही ना सी जो नदी में स्नान करुले से नदी नाम है विंध्य पर्वत मूल को भेदिके सरस्वती नदी प्रवाहित होते एवं देवता पितृ आवाहन सतोष जल स्नान जलदान कर देव जड़े मनीष तर तीनोटी ऋण थाए गोटे है देव ऋण गोटे है पितृ ऋण आ गोटे है ऋषि ऋण ये तीनोटी ऋण रु मुक्त हेपाई से तिलतर्पण दान कै तेणु कश्यप ऋषि कौन कर देव पितृ आवाहन जलदान दौंस प्रत्येक जीव जत स्नान कर सारती से माने जल अंजुलि सूर्य को अर्घ्य दे किसी आसु न आसु मंत्र तो अच्छी सूर्य सहस्रांशो तेजरासो जगतपते अनुकंपा यमांग भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर एटी कौन है ओम घ्रीं घ्रेणी सूर्याय नम ओम घ्रीं घ्रेणी सूर्याय नम ओम घ्रीं घ्रेणी सूर्याय नम यो तीन थर मंत्र पढ़ा जो मैंने मंत्र न पढ़ी पारे गाधे पढ़ु पोखर पुष्करिणी स्नान करूँ आप कूपमूल स्नान करूँ आप जेकोसी स्थान स्नान करूँ आपण धरले आंजुली रे जल नहीं कि सूर्य को अर्घ्य देले कारण सूर्य को अर्घ्य दे सारी आप नमस्कार टीए कले आउ किसी मंत्र आसु न आसु पढ़ु न पढ़ू ताकि सूर्य मंत्र पढ़ी जल पितृ को मान देव पितृ को शांति करने उद्देश्य जलदान दे किए से ना कश्यप ऋषि यू देखा आग को कौन है एही समय नर हरि क्षुद्र सफरी रूप धरी ऋषि को कले उत्तपति देखी संतोष महाजति मने विचारी महा ऋषि एमिन मान भय आसी शरण मोर करस्थले जत्ने रखी कमंडोले एवं त विचारी मन रे रखिले कमंडोल नीरे। वाह 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 सुंदर कथा यही समय रे देव कुट माया देव तांकु जणा दानवे थीरे काले काले बणा सुंदर कथा टीए यही समय रे कौन हला ना कर अंजुली रे जेते बेले आदित्य को नमस्कार करुछंती दबा पाई जल उठेचंती हटात आसिकी सेठी गोटे मीन टीए देखा देला दुईटी दर्शन दर्शक जल उठेला बेले मीन आसु बा ऊपर गोटे मीन ता देहरे पड़ू ये गोटे भल कथा अच्छी कौन यही समय नरहरी क्षुद्र सफरी रूप धरी ऋषि करे उत्तपति देखी संतोष महाजति सफरी आमर गोटे कथा ना सफरी फरफरायत छोट साप से अल्प जल से डूँ थी ये ठीक छोटिया मीन टीए सफरी छोटिया मीन टीए से मीन टी जिते बड़े आंजुली देखागला तेणु ये भाविले कड़े सुंदर मछटे तेणु कौन करेंगे ताकू आणिकी का छाड़देवे पुणी सुविधा हाँ कुआ जीव कौन कर सुंदर लगला तेणु ऋषि कौन कले ऋषि पाखे थाए कौन ना कमंडल ऋषि कमंडल नहीं रखीदे एक कथार अर्थ थी कहीं जलर तो मीन रही छाड़ी था कि कमंडल ये रखी थे जे भाविले बोध ये मीन टी भय पाई मो अंजलि रही जा काले खाईदे कि कौन करेंगे भय पाई तेणु या सुरक्षा दबा मो दायित्व धर्म तेणुक से कौन कले कमंडल खेले कितु विलक्षण देखु कमंडल मीन रहा मीन रही कौन है काया विस्तार कर लगला कारण जीए भगवान निजे जहाँ काम हो गोपद सिंधु अनल शीतलाई तेणु सीए जीए मान गाई खुरार जल को सिंधु परिणत करी पारंती
ନିଆଁକୁ ଯିଏ ଶୀତଳ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ କମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କ କାୟା ବଢ଼ିଯିବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ତେଣୁ କମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ କମଣ୍ଡଳରେ ଯେତିକି ଜଳ ଥିଲା ମିନର ଯେତେବେଳେ ଆକାର ବଢ଼ିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ମିନର ଆକାର ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଡାକ ପକେଇଲେ ଡାକ ପକେଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଠି ଜାଗା ପାଉନି ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକାର ବଢ଼ିଗଲା ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣଙ୍କୁ ଆକାର ବଢ଼ିଗଲେ ତାପରେ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ନେଇକି କିଛି କିଛି ମତ ଆସେ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଯଦିଓ ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲେ କି ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ସେ ତାକୁ ଆକାର ପାଉନି ଋଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଘଟଣା କ'ଣ ତଥାପି ଯେହେତୁ ମିନଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏମିତି ହେଇପାରେ କିଏ କହିବ ତେଣୁକରି ସିଏ ତାକୁ ସେଠୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କୂପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ମାନେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ନେଇ କୂପରେ ଛାଡ଼ିବା କୂପ ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ କୂପ ଭିତରେ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ମିନ ଡାକୁଛି ଋଷି ମୋତେ ଏଠି ଜାଗା ପାଉନି ମୁଁ ଏଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛି ମିନଟି କଥା କହୁଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ମିନଟି କ'ଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଋଷି କୂପ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଋଷି ଏତିକି କାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମିନକୁ କେମିତି ଉଠାଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ମିନକୁ ଉଠେଇବାଟା ବି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଋଷି ମିନଟିକୁ ଉଠେଇଲେ ବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଦର୍ଶନରେ ଆସେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ କୋଉଠୁ ପୋଖରୀଟି ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ତା ଭିତରେ ବି ସେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ଦେଖିଲେ ଘଟଣା କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଲି କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାର ଲାଗିଲାଣି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ହଛ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ତା କର୍ମ ସିଏ ଯଦି କରୁଛି ମୋ କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ଇଏ ହଛ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ବଢ଼ୁ ମୋ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ କମଣ୍ଡଳୁ ତାପରେ ଆସିଗଲା କୁଣ୍ଡ ଏଥିବା ଯଦିଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଦର୍ଶନରେ ଆସେ ତାପରେ କୁଣ୍ଡ ପରେ ଆସିଗଲା କୂପ ପରେ ଆସିଗଲା ସରୋବର ମାନେ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଗଲା ନଦୀ ନଦୀ ପରେ ଆସିଲା ପୁଣି କ'ଣ ନେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ନଦୀରେ ଆଉ ତାକୁ ଜାଗା ହଉନି ଶେଷକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କୋଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ବେଦ ବଚନେ ସ୍ତୁତି ଗାଇ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳନେ ଏଠି ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଆସିଲା କଶ୍ୟପ ଋଷି ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମନେ ମନେ ଏ ମିନ ସାଧାରଣ ମିନ ନୁହେଁ ଇଏ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ କୀତ ନୁହେଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ ବେଦ ବଚନ ଗାଇ ଚାଲିଲେ ବେଦ ବଚନ ଗାଇ ତାକୁ ନେଇ ସିନ୍ଧୁ ଜଳରେ ମେଲିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେବଙ୍କ ହିତେ ଦୟି ତାରି ସାଗରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ମତ୍ସ୍ୟ ରୋହି ରୂପକୁ ପ୍ରତିତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଲୋଚନ ଦେହ ଶୋଭାଜେ ସନେ ବାଳର୍କ ପ୍ରଭା ରଙ୍ଗ ଧର ରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ମେରୁ ସମାନେ ମାହାମୋଟ ଗିରିଶ ଦୃଶ ପୁଚ୍ଛ ମାନ ଗର୍ଜନେ ଆବୃତ ଗଗନ ଧରଣୀ ହୁଏ ଟଳମଳ ସିନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଛଳି ଲଙ୍ଘେ କୂଳ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ବତାସେ ପର୍ବତ ଉଡ଼ିଲେ ଆକାଶେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଘମାଳେ ରହି ନ ପାରି ଅନ୍ତରାଳେ ଲୁଚିଲେ ଅତି ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶେ ଭୟେ କମ୍ପନ୍ତି ଦଶ ଦିଶେ ସମୁଦ୍ରେ ପଶି ମହାମିନ ଚହଟି କରଇ ଗର୍ଜନ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ମହାମିନ ମିନରୁ ମହାମିନ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାୟା ଯେତେବେଳେ ତାର ବିସ୍ତାର କରିଗଲା ସମୁଦ୍ର ପଶିକି ଚହଟିକି ଗର୍ଜନ କରି ଚାଲିଲା ସେ ମିନ ବିରାଟ ଗର୍ଜନ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ସର୍ଗ ଦିଶେ କଳେ ବର ତଡ଼ାଗେ ଯେ ସନେ ମନ୍ଦର ଜଳ ଧିତେ ସନକ ମତେ ରହିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ପୁଚ୍ଛ ଗତେ ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଲା ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ସୁଖୀ ଦିଶିଲା ସର୍ବମିନ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖା ସୁର ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଚକ୍ର ଧର ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ନିଗମ ଚୋର ବନ୍ଦୀ କରି ମିଳିଲେ ବଦରି କାବନେ ଦୈତ୍ୟ କମ୍ପଇମା ଭୟ ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ଭୁଜ ଧରି ବଦନେ ବଦନ ସଞ୍ଚାରି ପବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଅଙ୍ଗ ତକ୍ଷଣେ ଶଙ୍ଖାତ ନୁ ଭାଙ୍ଗେ ମାଂସ ଶୋଣିତ ଚର୍ମ କେଶ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ନାନା ଦେଶ ତାଜି ବଲ ଭିଲା ମୁକତି ରହିଲା ଶ୍ରେ କରି ଅସ୍ତି ହରି ବୋଲ କି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଶଙ୍ଖାସୁର ଏତେ କାଣ୍ଡ କଲା ମୁକ୍ତି ଲଭିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ଲଭିଲା ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଭଗବାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆଗ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଲାଞ୍ଜରେ ଲାଞ୍ଜରେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଦ୍ଧ କରିସାରିବା ପରେ
ଶଙ୍ଖାସୁର କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ଦେଖିଦେଲେ। ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଚକ୍ରଧର, ଯା ହଉ ଚୋର କୁ ପାଇଲେ ପୋଲିସ ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ରଙ୍କ ଧନ ପାଇଲେ ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଦଶରଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇକି ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଯଶୋଦା ମା ନନ୍ଦ ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇକି ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ସେମିତି ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଲାଞ୍ଜ ବାଟ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ତେଣୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କଲେ, ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ନିଗମ ଚୋର ବନ୍ଦୀ କରି। ଏଠି ନିଗମ ଚୋର ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାସୁର, ତାକୁ ଆଗ ବନ୍ଦୀ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିସାରିବା ପରେ, ମିଳିଲେ ବଦରିକା ବନେ ଦୈତ୍ୟ କମ୍ପଇ ମୋ ଭୟ ମନେ। ତାକୁ ଯଦିଓ ଆମର ଭାଗବତୀ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସେଇଠି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଦର୍ଶନ ଆସିଛି ତାକୁ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ଅନୁସାରେ, ମହାଦେବ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ତାର ଭୁଜ ଧରି ବଦନେ ବଦନ ସଞ୍ଚାରୀ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ବନ୍ଦୀ କରିକି ବଦରିକା ବନକୁ ନେଲେ, ଅର୍ଥ ସେଠୁ ମୀନ ରୂପ ପରିତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ମୀନ ରୂପରେ ତ ବଦରିକା ବନକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୀନର ଧର୍ମ ହେଲା ଜଳ ବିହୁନେ ମୀନ ନାଶ, ଜଳରେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ମୀନା ଜଳରେ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଧା ବଦରିକା ବନରେ, ବଦରିକା ବନରେ ନେଇଗଲା ପରେ ବଢିଆ କାମଟେ ଭଗବାନ କଲେ, ତା ଭୁଜକୁ ଧରିଲେ, ଦି ଭୁଜକୁ, ଭୁଜ ଦିଟାକୁ ଧରି ସାରିବା ପରେ ବଦନେ ବଦନ ସଞ୍ଚାରୀ।